खैरुद्दीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हाई लिंक सिटी में घुसे बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले एक सूने घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा ली गए। इसके बाद बदमाश एक मकान में घुसे जहां बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गए हैं। उक्त घर से भी बदमाश जेवरात और नकदी ले भागे। बदमाशों द्वारा की गई वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। थाना प्रभारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। डकैती की वारदात एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हाईलिंक सिटी कॉलोनी में हुई है। शनिवार की दरमियानी रात बदमाश खेत दीवार फांद कर कॉलोनी में घुस गए। सबसे पहले बदमाशों ने राकेश जैन के सूने मकान पर धावा बोला। घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर बदमाश अंदर घुसे और पूरे घर को विफल कर दिया। इस दौरान अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात बदमाश चुरा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने पास के दो मकानों पर भी वारदात करने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में वहां बदमाश नहीं करे। इसके बाद बदमाशों ने कुछ दूरी पर स्थित अजीत चोपड़ा के मकान पर धावा बोला। घर का दरवाज़ा तोड़कर बदमाश अंदर घुसे और अजीत चोपड़ा और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने दूसरे कमरे में सो रहे बेटे बहू को कमरे में बंद कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद जब बदमाश भागने लगे, इस दौरान पड़ोस के लोग जाग गए थे, लेकिन बदमाशों ने तोड़फोड़ करने के साथ ही बंदूक दिखाकर उन्हें भी धमकाया और मौके से भाग खड़े हुए। रात को 3 बजे करीबन चोरा है यहाँ पर, करीबन 9 लोग थे और 9 लोग ने पहले उसे से फांद किया है दरवाज़ा, और उसके बाद ये दरवाज़ा तोड़े। तोड़ के बाद हर कमरे की तलाशी ली उन्होंने। मेन कमरे में वहाँ पर जो सामान रखा था ताला तोड़ा, और ताला तोड़ के गोल्ड और चांदी ले गए। कितने का करीब होगा? करीबन 15 से 17 लाख का होना चाहिए। 27 तोला सोना है, 26-27 तोला सोना है, 150 ग्राम चांदी है। कुछ रात में 3:30 से 4:15 के बीच कुछ 7-8 लोग घर में घुसे। हमारा रूम ऊपर का था, उसमें हमको तो पैक कर दिया बाहर से, तो हम निकल नहीं सके। नीचे पापा मम्मी थे, वहाँ फ्रंट का गेट तोड़ के वो लोग घुसे अंदर। पापा मम्मी को काफ़ी ज़्यादा मारा, हमला भी किया उनके ऊपर, मतलब पूरा सब खून में हो गए। घर पे नीचे वाले फ्लोर पे सारा खून हो गया था, और जो भी उनको मिला, जो पहन रखा था, जो अलमारी में जो सामान मिला, वो सब लेकर चले गए। फ़ोन लगाया आसपास वालों को, उन्होंने निकलने नहीं दिया। गोली चला देंगे ऐसा करके डराया, ताकि आसपास लोग भी नहीं निकल सके, और डरा के सारी चीज़ें ले गए। मतलब जो भी पहना था मम्मी ने, चेन थी, चूड़ियाँ थी, अंगूठी थी, वो चीज़ें ले गए। कौन से हथियार थे उनके पास? लठ थे, बंदूक भी थी, मतलब मेरी मदर के सर पे बंदूक रखे, वो उन्होंने सारी चीज़ें ली। और जो आपके पिताजी हैं, आपके परिवार में क्या व्यापार है आप लोगों का? मैं निखिल चोपड़ा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे फादर सराफा व्यापारी हैं। अभी तो मतलब रिटायरमेंट लाइफ स्टार्ट हो गई है, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं। ये बताइए कि जब वो अंदर घुसे हैं तो उनकी लैंग्वेज किस तरीके से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लग रहे थे, आदिवासी लग रहे थे, या किस पिताजी ने कुछ? मैं तो ऊपर रूम में बंद था। हाँ। तो नीचे बाद में जो पापा से बात हुई थी, वो कह रहे थे कुछ कंजर लोग या आदिवासी लोग, इस तरह के लोग इसी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। लगभग कितने का माल आपके यहाँ से गया है? मतलब आप मतलब सोने की चेन, 2-4 चूड़ियाँ, अंगूठी, मतलब बोल सकते हैं 100-150 ग्राम सोने के लगभग। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें आपके परिवार में? सिर्फ मेरे मदर और फादर, जो कि जो नीचे थे, हम तीनों, मैं, मेरी वाइफ और बेटी ऊपर रूम में थे। हमको बाहर से लॉक कर दिया था ताकि हम बाहर भी नहीं आ सकें। काहे से हमला करना बताया उन्होंने घायलों ने? ये लठ से मारा, लठ से काफ़ी हाथापाई हुई है, और बंदूक मेरी मदर के सर पे थी सामान निकलवाने के लिए। आपका सुना? निखिल चोपड़ा। तकरीबन 5-6 जने जो थे, वो आंटी जो दरवाजा ठोके जा रहे थे, और उनने दोनों ने कांच फोड़े पहले, तो आकर आंटी डर गए। फिर दरवाजे पे ठोके तो उनको अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे वो। हम जैसे दरवाजे के बाहर आए, उनने हमारे पे भाटे फेंके, एक बार तो भाटे फेंके, फिर वापस हम चिल्लाए उन पर, चोर चिल्लाए हमने। फिर उसके बाद वापस दरवाजे खोले तो उन्होंने गोली मार दो इनको, सामने को निकलना मत तुम। फिर हम डर गए, बस उसके बाद हम देख नहीं पाए उनको। कितने लोग थे, कितनी संख्या? 6 से 7 दिखे थे। क्या उनका ओलिया मामा के हिसाब से था, हमारे हिसाब से।
और वो बांध रखे थे, उनने सबने शाल वगैरह पहन रखी थी, मफलर वफलर बांध रखे थे। क्या धमकी दी आपको? हमको धमकी ये दी, तो भाटे फेंके उनने, वो बोले निकलने बाद गोली मार देंगे आपको। हथियार थे उनके पास? ये लकड़ी थी, लकड़ी थी, तीन चार हथियार देख नहीं पाए। कब तक बंधक बना ये? 3:30 के आसपास की है, 3:30 से 4:45 के। घर की महिलाएं भी अंदर ही होंगी? हाँ, महिलाएं भी। कोई बांधा बांधा के नहीं? बांधा मारा ना उनको, उनके गहने छीन लिए, उनके गले में जो हार नेकलेस थे, कंगन थे, छीन लिए उनने। आपका शुक्रिया कमलेश गंगवाल। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।